चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ब्रीफिंग कर ली थी, विलियम बेंटिक के बारे में जान लिया था, और मैंने ये बताया था कि एक ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है ये बेंटिक, जो कि अपने देश के लिए भी वफादार रहा है, भारतीयों के लिए भी अच्छा रहा है, भारतीयों में बहुत सारे इसने सामाजिक सुधार किए हैं, इसने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया, इसने कंपनी का एरिया बढ़ाया, इसने कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाई, इसने भारतीयों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए। जो इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास थी, पढ़े लिखी लोग थे, उनकी बातें इसने सुनी, इसने इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम किए। तो अगर मैं कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो आप कॉर्नवालिस को उसमें रख सकते हैं, विलियम बेंटिक को रख सकते हैं, और डलहौजी को रख ही सकते हैं। ये जो व्यक्ति है, इसका टेन्योर की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1828 में आता है और 1835 तक रहेगा, और इसी के टेन्योर में बीच में 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और जिस एक्ट से इसकी जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, जो ये पद लेके बैठा हुआ था, अब इसका प्रमोशन हो जाता है या इसके पद का नाम चेंज हो जाता है, अब ये क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल रहेगा, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल रहेगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब ये शोभा नहीं देता है कि जो गवर्नर जनरल है उसके नाम के आगे बंगाल लगे, क्योंकि अब भारत के बहुत बड़े भूभाग में ये रूल कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम चेंज किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर कभी एग्जाम में आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इसका कार्यकाल कब से कब तक था, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इसका कार्यकाल 2 साल का था, 1833 से 1835 था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में 1828 से लेकर 1833 तक इसने रूल किया है। टोटल इसका जो टेन्योर है वो रहा है 7 साल का, जिसमें ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहलाया, और बाद में 1833 का जो एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसके बाद इसके पद का नाम चेंज हो गया और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है, यहाँ तक की ब्रीफिंग सभी को क्लियर है? जी सर, यस सर, अब जैसा कि मैंने कहा, इसने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे इसने सुधार किए हैं, तो ये मेरे हिसाब से अभी तक आपने जितने भी गवर्नर जनरल पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा रिफॉर्म, सबसे ज्यादा सुधार, सबसे ज्यादा काम इसी के मिलेंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, और सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से बनते हैं। बहुत फेवरेट है ये यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का, विलियम बेंटिक और उसके बाद डलहौजी। तो पहले देख लेते हैं पुलिस रिफॉर्म्स इसने क्या क्या किए, पुलिस में क्या क्या सुधार किए। इसने बोला कि यार ये जो एसपी वाला सिस्टम है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, ये ठीक नहीं है। एक ही जिले में एक आदमी जो कलेक्टर है वो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, जब टैक्स लेने जा रहा है तो उसके साथ दिक्कतें हो रही है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, फिर वो एसपी को बोलते हैं, एसपी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, तो यार दोनों काम अलग अलग ठीक नहीं है। हमने देखा था कॉर्नवालिस जब आया था, तो कॉर्नवालिस ने क्या बोला था, सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक ही आदमी को दोनों काम मत दो। तो उसने बोला था कि कलेक्टर को अलग काम दे दो और लॉ एंड ऑर्डर का काम अलग करो, तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण किसने बोला था, कॉर्नवालिस ने बोला था। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो वॉरन हेस्टिंग था, वॉरन हेस्टिंग के समय क्या था, जो कलेक्टर था उसी के पास लॉ एंड ऑर्डर का भी काम था, कलेक्टर के पास ही मजिस्ट्रेट का भी काम था, मतलब कलेक्टर अपने आप में एसपी भी था, कलेक्टर अपने आप में जज भी था, ये वॉरन हेस्टिंग के समय से था। लेकिन कॉर्नवालिस ने बोला नहीं, कलेक्टर का काम क्या है, टैक्स वाला काम है, इसको ये वाला काम करने दो, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला काम जो है वो किसको दे दो, मजिस्ट्रेट को दे दो, जज को दे दो। बाद में हमने देखा एसपी, एसपी का एक पद बनाया गया, तो अभी बंटिक के समय तक क्या व्यवस्था चली आ रही थी कि भैया एक एसपी का पद है, एक कलेक्टर का पद है। ठीक है, तो इसने बोला यार एसपी का ऑफिस बंद करो, ये बड़ा दिक्कत होता है कि एक ही जिले में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग रखे हैं, एक ही आदमी को पूरी पावर दो। तो इसने वही करना चाहा जो वॉरन हेस्टिंग ने किया था, इसने बोला एसपी का पद खत्म कर दो, मिनिस्ट्रियल पावर भी इसको दे दो, किसको, कलेक्टर को ही दे दो। लेकिन भाई ये मामला तो फेल हो जाएगा, आज भी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि तो एक आदमी को आप कितना काम डालेंगे, आज आप कलेक्टर से बोले कि तुम ही एसपी हो, तुम ही जज हो, तो बेचारा पागल हो जाएगा, कब तक काम करता रहेगा। तो इसने एसपी का ऑफिस बंद करवाया था, और इसने बोला था कि अब जो पुलिस फोर्स का सारा काम है वो कौन देखेगा, कलेक्टर देखेगा, जो कि मजिस्ट्रेट भी है, और एसपी का जो काम है वो कमिश्नर देख लेगा, संभाग स्तर पे कमिश्नर देख लेगा। लेकिन इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो गया,
पूरी तरह फेल हो गया। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि इसने कोशिश की थी कि एसपी का काम खत्म करके कलेक्टर को देते, लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज्यादा काम का बर्डन हो गया। तो इसके पुलिस रिफॉर्म्स में क्या आएगा, इसने एसपी का पद खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन बाद में, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, आज भी एसपी का पद है ना। तो कोशिश इसने की थी लेकिन हैवी बर्डन ऑफ वर्कलोड हो गया, इस वजह से इसका जो ये सुधार था ये फेल हो गया। बस आपको इसके पुलिस रिफॉर्म्स में इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? क्योंकि जब आपने भैया, आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपने आदेश निकलवा दिया भैया एसपी के पद खत्म करो, तो नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो तो धीमे धीमे शिकायत लेके पहुंचेंगे ऊपर के, साहब बहुत काम हो गया, बहुत लोड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, चोरी बढ़ रही, अपराध बढ़ रहे हैं, हमारा टैक्स रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है। तो फिर ऐसी बात चली, बाद में फिर से जो एसपी का पद है वो बहाल कर दिया गया। अब देख लेते हैं इसने जुडिशियल क्या क्या रिफॉर्म किए, मतलब न्याय के क्षेत्र में न्यायिक क्या क्या सुधार किए। हमने पुलिस रिफॉर्म देख लिए, अब न्यायिक सुधार इसके देखते हैं, इसने न्यायिक के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। तो पहला इसने काम क्या किया, इसने चार सर्किट कोर्ट को बंद करा दिया। तो अब मुझे कोई ये बताए ये चार सर्किट कोर्ट कहाँ खुले थे और किसके टेन्योर में, किसके कार्यकाल में खुले थे? सर कॉर्नवालिस के कार्यकाल में खुले हैं, और तीन प्रेसिडेंसी और एक आगरा में खुला। कॉर्नवालिस के टेन्योर में खुले, ये बहुत बढ़िया है सर। पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड कलकत्ता। ढाका में और? पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका और कलकत्ता। तो कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट खुलवाए थे और इसका ये था कि इन सर्किट कोर्ट में जो जज रहेंगे वो यूरोपियंस रहेंगे या मोटे तौर पे ब्रिटिश ही रहेंगे, और ये अपीलेट कोर्ट है कि मतलब अगर आपको नीचे वाली कोर्टों से अगर कोई संतुष्टि नहीं है तो आप यहाँ पे जाके अपील कर सकते। इसने बोला बंद कराओ ये फालतू का काम, ये बंद कराओ, और इसके बाद बंद भी हो गए। चार सर्किट कोर्ट खोले किसने थे? कॉर्नवालिस ने। सी फॉर सर्किट, सी फॉर कॉर्नवालिस। लेकिन इसको बंद किसने करा दिया? बेंटिक ने। बेंटिक ने जैसे कहते ना बेत लगा दी, कैसे भी याद कर लो, बेंटिक ने इसको एबॉलिश कर दिया। तो चार सर्किट कोर्ट खत्म कर दिया, उसने बोला कि भैया सर्किट कोर्ट वाला काम खत्म करो और जो कमिश्नर है, जो संभाग स्तर पे कमिश्नर है, उसे कोई सारा काम दे दो, वही सब संभालेंगे, कलेक्टर और कमिश्नर मिलकर काम देखेंगे, कहीं हम फालतू में लोगों को नहीं बैठाएंगे। क्योंकि मुद्दा ये था, बेंटिक के पहले जो था एमहर्स्ट, एमहर्स्ट के समय क्या हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी, कोई मुझे बताएगा? किसके साथ एक बैटल हुआ था? बर्मा। बर्मा वाला बैटल, वेरी गुड। यानी एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, या एंग्लो म्यांमार वॉर हुआ था 1824 से लेकर 1800। और इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत सारा पैसा लग गया, अंग्रेजों को बहुत सारा, अंग्रेज मतलब कंपनी को बहुत सारा पैसा लग गया। और हम देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद से ही कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि लंदन से उनको पैसा मिल जाएगा, कहीं से लोन मिल जाएगा, इनको जो कमाना है देश से कमाना है और जो लगाना है देश में लगाना है, तो इनका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो बेंटिक जब आया था उसके दिमाग में एक बात थी कि मुझे अपने खर्चे कम से कम करने हैं क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा घाटा हो गया या खर्चा हो गया। ये भी खर्चा ही था, एक कोड बना के रखो, लोगों को सैलरी दो, फिर 10 तरह के खर्चे। इसने बोला बंद कराओ ये, और ठीक है। तो कभी आपसे पूछा है कि बेंटिक अब के सुधारों में हम ऐसा देख रहे हैं कि ये अपने खर्चे कम कर रहा है, तो उसका एक और, सिर्फ एक और एक रीजन है कि ये जो एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था इसमें अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो गया था, उसी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी कि कहां से अपन, जैसे अभी पोस्ट कोविड एरा में सब लोग अपने खर्चे कम कर रहे हैं, कुछ का वेतन कम हो गया, कुछ की सैलरी नहीं मिल रही, कुछ की नौकरी चली गई है, तो अपन अपने खर्चों को क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। बस वैसा ही बेंटिक कर रहा था कि इतना बड़ा युद्ध हुआ है म्यांमार वाले में, भले हमने एरिया जीता है लेकिन पैसा हमारी जेब से बहुत लग गया था। तो इसने इसी मतलब इसके कामों में आप यही देखेंगे कि ये अपने पैसे कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। एसपी का पोस्ट क्यों खत्म कर रहा था? पैसे बच रहे थे, एसपी का ऑफिस बच रहा था, एसपी के अंडर जो फोर्स थी वो बच रही थी, कलेक्टर ही सारा काम कर रहे। इसने अभी अब तक हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग के समय से सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत कहाँ पे थी? कलकत्ता में। कलकत्ता ये बड़ी कोर्ट है। दीवानी मतलब आप लोग जानते हैं टैक्स को लेकर जो होगी, सदर मतलब सबसे बड़ा मुखिया। तो पहले सदर कौन कहलाता था? बंगाल का नवाब को सदर कहा जाता था। और अब जब बंगाल की नवाबियत खत्म हो गई, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन 1765 में खत्म हुआ, सॉरी हाँ 1700 नहीं, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन 1772 में खत्म हुआ द्वैत शासन बंगाल में, तब से जो मुबारक उद्दौला थे वो आखिरी बंगाल के नवाब थे। तो अब बंगाल के मुखिया कौन हो गए थे?
वहां के गवर्नर जनरल, तो उनके अधीन ये अदालत चल रही थी। तो अभी तक हमने देखा था ये टैक्स वाली अदालत थी और ये जो निजामत वाली थी ये क्राइम से जुड़ी हुई जो केस थे उसकी सबसे बड़ी अदालत थी। ये दोनों अभी तक कहाँ लोकेट थी? कलकत्ता में। ये वॉरेन हेस्टिंग के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं। अब क्या किया वेंटिक ने, एक और सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत कहाँ खोल दी? इलाहाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है, अभी तक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत कहाँ पे थी? कलकत्ता में, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर था वो। अब एक और खोला गया इलाहाबाद में, क्योंकि इनका एरिया बहुत बड़ा हो गया, देश के बहुत बड़े हिस्से में रूल कर रहे हैं। अब अगर पंजाब से किसी को दिक्कत है तो वो कलकत्ता जाए, या महाराष्ट्र से किसी को दिक्कत है वो कलकत्ता जाए, तो इन लोगों ने बीच में इलाहाबाद में एक और सदर दीवानी और निजामत अदालत इसने खोल दी। किसने? बेंटिक ने। इलाहाबाद का नाम आज प्रयागराज है, लेकिन इतिहास का जब भी सवाल लिखेंगे तब आप इलाहाबाद के शब्द का ही प्रयोग करेंगे, प्रयागराज नहीं लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा, इलाहाबाद वाला जो हिस्सा है ये अवध के अंडर में था, और मतलब था तो एरिया अवध का, लेकिन हमने देखा था कि जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें इलाहाबाद वाला हिस्सा किसको मिल गया था? मुगल बादशाह को मिल गया था। तो एक्चुअल में जो इलाहाबाद वाला लोकेशन था वो तो मुगल बादशाह के अधीन था, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इलाहाबाद किसके, जो पूरा एरिया है वो किसके नाम से प्रसिद्ध होगा? अवध के नाम से। तो यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है सभी को? जी सर। तो सदर दीवानी सदर निजामत की एक और शाखा खुल गई है इलाहाबाद में। हमने देखा कि चार सर्किट कोर्ट जो है उसको बंद करवा दिया इसने। हमने ये देखा कि भाई इसने एसपी का जो ऑफिस था उसको बंद करवाया था, लेकिन बाद में उसको फिर से चालू करना पड़ा। और यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इलाहाबाद में यहाँ पे ब्रांचेस इलाहाबाद में क्यों खोला गया? क्योंकि ये जो अपर प्रोविंस के लोग हैं या और भी भारत के और हिस्से के जो लोग हैं उनको सुविधा हो, उनको सहूलियत हो। अपर प्रोविंस क्या है? जो विंध्याचल और सतपुड़ा, जैसे ये विंध्याचल की पर्वतमाला है, सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, ठीक है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा था उसे कहते थे अपर प्रोविंसेस। इसी अपर प्रोविंसेस से बाद में शब्द निकला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अपर प्रोविंसेस के लोग, यानी उस समय अपर प्रोविंसेस में क्या क्या आता था? पूरा यूपी आ रहा था, पूरा आज का उत्तराखंड आ रहा था, बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा था, इधर हम देखें तो दिल्ली वाला लगभग जो हिस्सा था, जो भी विंध्याचल के ऊपर वाला हिस्सा है, कश्मीर को छोड़ के, मतलब यहाँ पे एक नदी बह रही सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी और यहाँ से एक नदी बह रही है, इसका नाम है कोसी नदी। तो कोसी सतलज के बीच में जो लगभग मोटा मोटा हिस्सा था उसे कह रहे थे अपर प्रोविंसेस। तो अपर प्रोविंसेस के लोगों को सहूलियत रहे, तो इसलिए इन्होंने इलाहाबाद में एक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। किसने करवाई है? बेंटिक ने। कलकत्ता वाली किसके समय से खुली है? वॉरेन हेस्टिंग के समय से खुली, लेकिन ये इलाहाबाद वाली कब खुली है? बेंटिक के समय। और आज आप देखोगे, कोई अगर आप मन में कभी सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। क्यों है? क्योंकि 200 साल पहले से वहां पे सदर दीवानी सदर निजामत अदालत इस्टेब्लिश थी। तो भाई जहाँ पे इतनी बड़ी कोर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है जब हाईकोर्ट बनेगा या तब्दील होगा हाईकोर्ट में, तो वहीं तब्दील होगा, ठीक है। अब अगली बात देख लेते हैं कि इसके टेन्योर में एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई। आज भी हमारे देश में लॉ कमीशन बनते हैं। लॉ कमीशन जो है, अगर हम ना, ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, तो ये असंवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ऐसे हम कहेंगे कि ना ये किसी एक्ट से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि संसद ने कोई एक्ट बना के इसकी स्थापना की थी, ना संविधान में इसके बारे में लिखा है। ये कौन सी बॉडी है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, यानी जो हमारी सरकार है, वो आदेश निकालती है प्रधानमंत्री के आदेश पे। ये लॉ कमीशन का गठन होता है, लगभग हर 2-3 साल में गठन होता है इसका, और ये अपनी रिपोर्ट देती है। लॉ कमीशन का नाम देखेंगे तो इसका नाम है विधि आयोग। मतलब हमारे देश में जो भी कानून चल रहे हैं उन कानून को तुम पढ़ो भाई, उसके बाद देखो कौन से कानून है जो पुराने हैं उनको हटा दें, और कौन से ऐसी चीज़ें जो नए, जो उसको जोड़नी चाहिए, ऐसे कौन से अपराध है जो नए नए अपराध हो रहे हैं उनके लिए हमें कानून जोड़ना चाहिए। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देती है। ये क्या करती है? एडवाइजरी बॉडी, एडवाइस देती है। और फिर ये एडवाइस किसको देती है? जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, विधि मंत्रालय, उसको एडवाइस देती है, और वो फिर उसके हिसाब से ड्राफ्ट करता है, बिल की ड्राफ्टिंग करती है, और फिर वो कानून संसद में पेश होता है, फिर संसद से अगर पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है।
जैसे भाई ट्रिपल तलाक को हमने देखा कि संसद ने बोला कि असंवैधानिक है, तो विधि आयोग ने कभी एडवाइस दिया होगा कि भैया ये ट्रिपल तलाक चल रहा है मुस्लिमों में, ये गलत है, तो फिर लॉ मिनिस्ट्री ने एक पूरा ड्राफ्ट बनाया कि हाँ भाई ये ट्रिपल तलाक को हमें हटाना है, तो उसके बाद वो संसद में गया, फिर उसको बताया गया कि ये जो ट्रिपल तलाक वाला जो कानून ये प्रोसेस चली आ रही है ये गलत है, इसको हटा दिया जाए, अब अगर कोई ट्रिपल तलाक का यूज करके अपनी वाइफ को तलाक देगा तो हम उसको जेल में डालेंगे या उसको पनिशमेंट देंगे। तो सबसे पहला लॉ कमीशन इसके टेन्यूर में बना था, किसके, बेंटिक के टेन्यूर में, और सबसे पहले लॉ कमीशन का जो मुखिया था वो था मैकॉले, ठीक है। तो आज भी लॉ कमीशन बनते हैं, और आज शायद मेरे ख्याल से 255वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब 255 बार लॉ कमीशन शायद बन चुका है, इसको अपडेट कर लें, 255 है, 256 है, मतलब फिर भी आप देख रहे हैं कि इससे समझ में आ रहा है कि लगभग 250-300 साल हो रहे हैं, क्योंकि इतनी रिपोर्ट आ चुकी है इसकी, मतलब एक बार एक कमीशन बनेगा तो वो अपनी रिपोर्ट देगा, तो इसका मतलब 255 बार तो लॉ कमीशन बन चुका है, ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, सरकार इसको बनाती है, अपनी ये एडवाइस देती है, उसको भंग कर देती है, चलो भैया अब काम खत्म, जाओ। तो सबसे पहला जो विधि आयोग था वो मैकॉले ने, सॉरी बेंटिक के टेन्यूर में बना था, और उसका जो प्रेसिडेंट था या जो मुखिया था, जो उसका अध्यक्ष था, वो था मैकॉले, और उसका मेन काम क्या था कि भैया जो भारत के कानून है, भाई हमने बताया था भारत में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू और मुस्लिमों की थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा था, पहले से भी कह रखा था कि भैया अगर हमें हिंदू को अगर सजा देनी है तो उसके हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथों में जो सजा है वो देंगे, और हिंदू मुस्लिम को जो सजा देनी है वो उसके कुरान हदीस में जो बात है उसके हिसाब से देंगे। तो हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई दिया था, हमने कई सारे संस्कृत कॉलेज खोल दिए, कई सारे मदरसा खोल दिए, हम ट्रांसलेशन तो कर रहे थे, हमारे धार्मिक ग्रंथों का ट्रांसलेशन अंग्रेज तो कर ही रहे थे। तो अब इस मैकॉले को काम दिया गया, भैया एक लॉ कमीशन बनाते हैं, तुम उसके पहले, ये पहला लॉ कमीशन, तुम इसके मुखिया हो, अब तुम ये जो धार्मिक किताबें हैं भारत की, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनसे छाटो कि किस अपराध की क्या सजा है, किस अपराध की क्या सजा है, हिंदू को क्या सजा मिलनी चाहिए, मुस्लिम को क्या मिलनी चाहिए, हिंदू में ब्राह्मण को क्या सजा मिलनी चाहिए, शूद्र को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो उस हिसाब से तुम इसको क्या करो, कोडिफाई करो, इसको तुम कोडिफाई करो, क्योंकि हम लोग यहाँ कोड बना चुके हैं, हम लोग यहाँ पे लोगों को सजा दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लोगों को पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कभी जिस तरह एक केस हुआ था वॉरन हेस्टिंग के समय नंदकुमार का, नंदकुमार एक ब्राह्मण था और उसको धोखाधड़ी के अपराध में सजाए मौत मिल गई थी, और हिंदू ग्रंथों में लिखा था कि ब्राह्मण को किसी भी अपराध के लिए सब मारा नहीं जा सकता, ब्राह्मण हत्या गाय की हत्या के बराबर थी, ऐसा धर्म कहते हैं। लेकिन आज तो हमारे देश में हम देखें तो कानून का शासन है, ना कि धर्म का शासन है, ऐसा नहीं कि वेदों के हिसाब से सब चल रहा है, लेकिन अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने सोचा था नहीं, जो उनके धार्मिक ग्रंथ उसके हिसाब से काम किया जाए, और मैकॉले को काम दिया गया था कि आप कोडिफिकेशन करें, आप बकायदा एक किताब निकाल दें कि भैया ये हिंदू के लिए किताब है या मुस्लिम के लिए किताब है, या ये क्रिमिनल जो केसेस है उसके लिए किताब है या सिविल केसेस है उसके लिए किताब है, तो हम जो देखेंगे हमारा, हमारे देश के लिए जो पहला एक कोड आया, पूरी एक किताब आई कि जो सिविल मामले हैं इसमें किसी की जान नहीं हमने ली है, माल की हानि की है, धोखाधड़ी किया है, उसका घर हड़प लिया, उसकी जमीन हड़प ली है, तो ऐसे अगर केस हो जाएंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो वो पहला कोड आया है 1859 में, कमीशन कब बना 1833 में, और पहला ऐसा कोड कब बना 1859, मतलब भाई बहुत बड़ा काम था यार ये, तो इसको बनने में लगभग हम देख रहे हैं 26 साल लग गए, ऐसा नहीं 26 साल तक मैकॉले इसमें काम किया, मैकॉले को पहले लॉ कमीशन का मुखिया बनाया गया था। आईपीसी जो पहली आईपीसी बनी 1860 में बनी है, और इसके नीचे एक और होगा शायद सीआरपीसी होगा, हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 ने बनाए। आज जो हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा है वो तो 1973 का चल रहा है, वो चल रहा है 1973 का, लेकिन जो सबसे पहला बना था अंग्रेजों ने बनाया था वो 1861 का बनाया था। तो जैसे आप खुद सोचिए, मैंने आपके पास कोई प्लॉट है, मैंने उस प्लॉट को हड़प लिया, तो आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, तो कोर्ट बोलेगा भैया ये फॉर्म है ये भरिए, वकील से मिलिए, यहाँ पे स्टैंप लगाइए, यहाँ पे इतना शुल्क जमा करिए, ये सारा जो प्रोसीजर है, उसके बाद जज के पास वो फाइल गई, जज ने फैसला सुनाया, बोलेगा गवाह लेके आओ, रजिस्ट्री लेके आओ, ये सारा जो प्रक्रिया है वो किसमें लिखी गई है, सिविल प्रोसीजर कोड में। उस तरह आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, दंड देने के, इसमें सजा का प्रावधान है कि भैया आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको सजाए मौत हो गई, आपने किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर किया, आपने मारना चाहे मरा नहीं तो 7 साल की जेल होगी, आपने रेप कर दिया तो 14 साल की जेल होगी, जो भी है दंड, दंड की बात है, तो आईपीसी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, अब पुलिस वाले वहां कैसे जाएंगे, जाएंगे तो पहले क्या देखेंगे, जो
जो साक्ष्य है उसको कैसे उठाएंगे, चार्जशीट बनानी है, क्या बनानी है, लॉग बुक बनानी है, तो पूरा प्रोसीजर, कहीं अगर क्राइम होगा तो पुलिस से लेकर जज तक को सारा प्रोसीजर बताया गया कि ये प्रोसीजर फॉलो करना है, वो बताया गया सीआरपीसी में। इसे छोटे रूप में कहते हैं सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो मैकॉले जो है वो पहला विधि आयोग का मुखिया है, 1833 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो सबसे मेन रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि 1859 का सिविल प्रोसीजर कोड, 1860 का आईपीसी और 1861 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आप कुछ जान के शायद बड़ा आश्चर्य हो या नहीं हो, मैंने लेकिन आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यही आईपीसी चल रहा है। मतलब अंग्रेजों ने जो लगभग 250 साल पहले कानून बनाए थे, आज भी वो कानून हमारे देश में चल रहा है आईपीसी का। अब आप सोच लीजिए कि हमने अपना आईपीसी तक चेंज नहीं कर पाए आज तक, अंग्रेज जो बना के चले गए भैया इस अपराध की ये सजा है, तो वही चल रही है आज तक। इसमें सुधार हुआ लेकिन आईपीसी वही चल रही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बाबा आदम जमाने के कानून चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के कानून चले आ रहे हैं, तो इसीलिए चले आ रहे हैं कि आईपीसी तो आज भी वही चल रही है 1860 वाली। तो ये जो ब्रीफिंग है ये क्लियर हुई आपको इस पेज वाली? यस सर। इरेज कर दो जो मैंने लिखा है। जी सर। ये जो मैकॉले, इसका नाम एक बार एक चीज में और आएगा। मैकॉले जो है इसे कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पिता कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैकॉले जो है ये बड़ा कट्टर आदमी था, और कट्टर मतलब ऐसा नहीं किसी को मारना चाहता था, कट्टर मतलब ये धार्मिक कट्टर था, धार्मिक कट्टर मतलब ये ईसाई धर्म से था, तो ये चाहता था कि सिर्फ ईसाई धर्म ही फले फूले, बाकी धर्म खत्म हो जाए। तो इसकी, और दूसरी बात, इसके जो पिताजी थे ना वो ब्रिटेन में पादरी थे, तो भैया पिता ही पादरी है तो बेटा तो बिल्कुल धार्मिक रहेगा ही। और ये इतना ज्यादा जब हम कट्टर कहते हैं किसी को कि ये बहुत रेडिकल है, इसका मतलब ये अपने धर्म को महान बोलता है। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ और अगर मैं धार्मिक कट्टर हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, हिंदू महान है, बाकी धर्म बेकार है, बाकी धर्म तो तुच्छ है, सबसे अच्छा धर्म हिंदू है। तो हमें कभी रेडिकल नहीं होना, कट्टर नहीं होना, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सर्वधर्म संभाव की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन मैकॉले क्या था, वो रिलीजियस रेडिकल था, मतलब वो धार्मिक कट्टर था, वो चाहता था कि सबसे अच्छा धर्म क्रिश्चियनिटी है और बाकी धर्म वाले तुच्छ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। और ये इसकी कामों में झलकता है, इससे मतलब ये जो कोडिफिकेशन हो रहा था तो इसमें आप देखेंगे कि जो लोग पावरफुल पोजिशन में है या जो लोग सरकार में है, जैसे माल मोटे तौर पर पहले हम पे रूल कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बाद में रूल कौन करी, ब्रिटेन, और अब रूल हम पे कौन कर रही, गवर्नमेंट। तो जो भी कानून बने हैं उसमें आप देखेंगे जो रूलिंग लोग हैं उनके लिए उसके प्रोसीजर बड़े हल्के हैं, उनके लिए अपराध की सजा बहुत कम है। जैसे आप लोग देखते हो कोई नेता है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी हैं, फिर भी वो चुनाव लड़ता है, फिर भी जीत जाता है, उस पर केस चलता रहता है, कभी जेल नहीं जाता। लेकिन आम आदमी अगर किसी का बटुआ भी चोरी कर ले तो उसको जेल डाल देते हैं। अगर आप लोग कभी पुलिस केस हो जाए तो आप लोग चपरासी भी नहीं बन सकते, लेकिन हम देखते हैं कि नेता लोग तो मर्डर करने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये इसीलिए था क्योंकि मैकॉले क्या था, मैकॉले पहली चीज तो कट्टर बहुत था, दूसरा मैकॉले किस बिरादरी से आता था, रूलिंग क्लास से, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। तो उसने जब कुछ ये फ्रेमिंग किया तो ऐसा ध्यान रखा कि हमारे लोगों को कम से कम इससे क्षति हो, बाकी जो लोग हैं उनको ज्यादा क्षति हो। आज भी कोई आईपीसी को लागू रखने का यही मेन कारण भी है कि आईपीसी में जो गवर्निंग बॉडी है जो रूल कर रही है उसके लिए प्रावधान बड़े अच्छे हैं, इसलिए आज जो रूल कर रहे हैं वो सरकार रूल कर रही है। तो सरकार भी नहीं चाहती आईपीसी हटे, क्योंकि सरकार में तो मंत्री है, मिनिस्टर है, तो ये इनका तो फायदा ही होता है, तो ये नहीं चाहते कि ये हटे। थोड़ा बहुत अब सुप्रीम कोर्ट पिछले 50 साल से चिल्ला रही है कि इसको चेंज करो, तो नहीं करना चेंज क्योंकि हमें प्रिविलेज मिला हुआ है। खैर, तो ये अलग बात है। तो ये बड़ा धार्मिक कट्टर व्यक्ति था, तो इसने बोला कि भैया सबसे अच्छी भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी, क्योंकि क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो सबसे अच्छी भाषा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के अलावा जो और भाषा है ना वो सब बेकार है, तुच्छ है, कौड़ी के भाव है। तो उसने भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस थी जिनको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उनको बोला ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। भारत में शिक्षा किस पद्धति से मिलनी चाहिए, भारत में शिक्षा मिलनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ किससे, अंग्रेजी पैटर्न से मिलनी चाहिए। ये मैकॉले का था, और मैकॉले ने बोला कि हम चाहते हैं, असल में मैकॉले ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था, बोला था पिताजी मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ इस देश में कि अगले 20-30 साल के अंदर भारत एक ईसाई देश होगा। ये अपने पिता को पत्र लिखा था, और उसने बोला था। ऐसा क्यों कह रहा था ये,
इसने जब बोला कि भैया इस देश में सारी पढ़ाई का जो माध्यम होगा अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी के अलावा किसी और माध्यम से पढ़ाई नहीं होगी, इसका कहना ये था कि हम भारत में ऐसे लोग चाहते हैं जो देखने सुनने में तो भारतीय हो, रंग रूप से इंडियन दिखे, लेकिन दिमाग से, सोच से, अपनी आत्मा से अंग्रेज हो जाए। ये ऐसी लोगों की फौज चाहता था कि जो लोग सिर्फ अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हम ही पढ़ाएंगे अंग्रेजी, और कोई तो पढ़ा नहीं सकता, और हम जो हम ऐसे इन लोगों को ऐसा बना देंगे कि देखने सुनने में सिर्फ इंडियन रहे, बाहर से भारतीय, लेकिन अंदर से दिमाग से ये क्या हो जाए, इंग्लिश हो जाए, अंग्रेज हो जाए, और बाद में हम इन्हीं लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हम इनको बताएंगे कि तुम्हारा धर्म इतना बेकार है और ये हमसे इतने ज्यादा ऑब्लाइज रहेंगे, बायस रहेंगे, क्योंकि हमने इनको बचपन से पढ़ाया है, इसलिए ये क्रिश्चियन भी बन जाएंगे। तभी इसने कहा था अगले 20-30 साल में भारत में बहुत बड़ी आबादी ईसाइयों की होगी, और लगभग सही भी है। हमारे देश के अधिकतर जो ट्राइबल लोग हैं वो ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं, क्योंकि सबको कन्वर्ट किया गया था। और 1813 में एक जो एक्ट में क्या बोला था, 1,00,000 रुपए का प्रावधान किसमें किया जाए, शिक्षा में किया जाए, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सी शिक्षा में किया जाए। तो मैकॉले ने बोला नहीं नहीं, जो लाख रुपए का प्रावधान है ना, हर साल 1,00,000 रुपए देना है शिक्षा पे, ये किस शिक्षा पे होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पे, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूल होंगे, जो टीचर होंगे, जो बच्चे होंगे, उन्हीं पे ये खर्चा होगा पैसा, बाकी इन पे नहीं होगा। तो इसको मैं ब्रीफिंग करूंगा अभी, लेकिन ये मैकॉले जो था ना बहुत ज्यादा रेडिकल आदमी था, ये धर्म को लेकर, इंग्लिश को लेकर, अपने अपने रंग को लेकर, अपनी क्रेस को लेकर, अपने आपको गोरा आदमी को लेकर, ये बहुत ज्यादा रेडिकल था। ये भारतीयों को तो समझता था, और इस व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी को बहुत ज्यादा ये मानता था कि हाँ हम ही आए हैं उद्धार करने, बाकी मतलब वो हमको बंदर समझता था कि भाई भारतीय तो बंदर ही है, जानवर ही है, हम ही इनका उद्धार करेंगे। खैर, तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो मैकॉले को आपको दो बातों में बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला तो ये जो व्यक्ति है, ये पहले विधि आयोग का मुखिया था, 1833 में इस विधि आयोग का गठन हुआ था, और इसका गठन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा है। दूसरा, मैकॉले जो है उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। आज मैं आपको PDF अंग्रेजी में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वेरे वर्ड्स अंग्रेजी में निकल रहे हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब हमारे महान पितामह जो मैकॉले साहब है उनकी कृपा है कि हम आप सब इंग्लिश में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ये सब उन्हीं भगवान की कृपा है, नहीं तो हम तो बंदर ही बैठे थे यहाँ पे। तो अब इनके देखते हैं सामाजिक रिफॉर्म, समाज के मतलब इसने समाज स्तर पे सामाजिक सुधार क्या किया बेंटिक ने। जब बेंटिक आया तो मैंने बोला था कि भाई बेंटिक के पहले से ही, जैसे मैंने 1813 में जब बोल दिया कि भैया 1,00,000 रुपए शिक्षा में देने हैं, और हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग के समय से जो जमींदारी सिस्टम था वो शुरू हो गया था, तो मतलब जमींदारी सिस्टम शुरू हो गए लगभग 50 साल हो गए, तो ये जमींदार के जो बच्चे थे, जमींदार पैसा बहुत कमा रहे थे, फ्री का पैसा मिल रहा था, इनके जो बच्चे थे ये अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। कैसे स्कूल में पढ़ते थे? कॉन्वेंट स्कूल में। आप लोग में शायद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल के नाम क्या है, कॉन्वेंट लिखा होगा। ये जो कॉन्वेंट होता है, कॉन्वेंट मतलब होता है, कॉन्वेंट मतलब क्या होता है, कॉन्वेंट मतलब होता है घर, लेकिन किसका घर? धार्मिक गुरु का घर। कॉन्वेंट मतलब होता है घर, और किसका घर? धार्मिक गुरु का। ये धर्म कौन से धर्म? धार्मिक गुरु का, क्रिश्चियन वाले धार्मिक गुरु का। तो हमने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तभी से उनके पीछे पीछे बहुत सारे ऐसे पादरी वो भी आ गए थे, और धीमे धीमे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये जो ईसाई लोग थे, ईसाई मिशनरी थे, ये जहाँ रहते थे उसे कहा जाता था कॉन्वेंट। तो धीमे धीमे अपने निवास में, अपने रहवास में लोगों को, बच्चों को बुलाने लगता है कि आओ बच्चों, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। धीमे धीमे ये जो जमींदार के बच्चे थे ये सब इन कॉन्वेंट में जाने लगे, तो धीमे धीमे इन कॉन्वेंट का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया। और आज जो आप देख रहे हैं कि हमारे शहर में, आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, किसी भी शहर में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल देखेंगे, अगर 10 स्कूल वहां पे आपको इंग्लिश मीडियम मिले, 10 में से 8 स्कूल कौन से होंगे? चर्च वाले या ईसाइयत वाले, मतलब वहां पे कोई फादर होगा या वो कॉन्वेंट होगा, या वहां पे कोई क्रिश्चियन मिशनरी का वो स्कूल होगा, बड़े बड़े स्कूल। क्योंकि ये सब लोग, पहली चीज तो ये सब अंग्रेज थे, दूसरा ये धार्मिक गुरु थे, इनका मेन काम था ईसाइयत को प्रमोट करना, जमींदारों के पास पैसा था, ये अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे। तो इनको लगा यार हमारे बच्चे जब ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी सीखेंगे। तो जब इनके बच्चे जो अपनी लोअर एजुकेशन है ये कॉन्वेंट में पूरी करते थे, बाद में इनके बच्चे सब जाते थे ब्रिटेन पढ़ने, और जब ये ब्रिटेन पढ़ के आते थे तो रंग है सांवला, रंग है काला, लेकिन सर में टोपी, ओवर कोट, मुंह में सिगार, देखने से सब लगता था कि यार ये तो अंग्रेज बाबू आ गया है ना, परदेसी बाबू आ गया। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा शायद, देवदास उदास, बहुत सारी फिल्मों में देखा कि भैया वो उनके हैट लगाए हैं, चश्मा लगाए हैं, बड़ा सा ओवर कोट पहने हैं, ये सब क्या? भाई तुम हो भारतीय लेकिन तुम्हारा
चाल ढाल आबो हवा कैसी हो गई, ब्रिटिशर्स हो गई। तो जब ये ब्रिटेन से बच्चे सब पढ़ के आए तो ये कैसे हो गए, ये मैकॉले वाले बच्चे हो गए, कि देखने सुनने में लगे भारतीय लेकिन दिमाग से सोच से अपनी आत्मा से ब्रिटिश हो गए। तो ये जो जमींदार के बच्चे थे ये पढ़े लिखे, इनको हम कह रहे हैं बंगाल के प्रभुत्व लोग, बंगाल के प्रभुत्व यानी इन्फ्लुएंशियल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, इन्फ्लुएंशियल पर्संस। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये लोग? एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर्स, मतलब ये लोग पढ़े लिखे हैं और ये लोग अंग्रेजों के क्या थे, वफादार थे। बताऊंगा सचिन, मैं बताऊंगा कि क्यों हिंदू हिंदू कस्टम में सारे रिफॉर्म हुए, मुस्लिम में क्यों नहीं, सब बताऊंगा मैं। तो ये सब पढ़े लिखे लोग थे, अब अधिकतर ये पढ़े लिखे इन्फ्लुएंशियल लोग बंगाल से उठ के आ रहे थे। इन्हीं में से एक इन्फ्लुएंशियल था राजा राम मोहन रॉय, ये जमींदार का बेटा था, पढ़ाई लिखाई सब किया, ये ब्रिटेन गया, पढ़ लिख के आया। तो इसने तुलना करनी शुरू की कि यार बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो होनी मतलब भारत में चल रही हैं, इनको बंद करना चाहिए। और सही बात है, कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, हम हमारे पास जो विद्या है वही हमें विनय देती है, और विनय से ही हमें पात्रता मिलती है, एलिजिबिलिटी मिलती है कि हम कहीं खड़े हो सके। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, या आप लोगों ने अगर पढ़ाई नहीं की होती तो आप मेरी बात समझ नहीं पाते। तो आप भी एलिजिबल हो इस काम के लिए, हम भी एलिजिबल हैं, है ना। तो विद्या से ही तो विनय आएगा, विनय से ही तो पात्रता मिलेगी। तो ये सब लोग जो पढ़ लिख के आए तो इन लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू किया कि हाँ भाई कुछ बातें हैं जो ब्रिटिश की अच्छी हैं या यूरोपियंस की अच्छी हैं या वेस्ट की अच्छी है, और कुछ बातें हैं जो हमारी अच्छी है। तो जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया, कंपैरिजन किया गया, तो राजा राम मोहन राय ने कई बातें बेंटिक से साझा की। पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार थे, अच्छी बात करते थे, अच्छी बात समझते थे। तो इन्होंने बेंटिक को बोला कि यार सती प्रथा को रोक लगाओ, सती प्रथा पे बंद करो। असल में हुआ क्या था, राजा राम मोहन रॉय की जो भाभी थी, सगी भाभी, उनसे बड़ा ये स्नेह था इनको, और जब इनके भैया का देहांत हुआ तो इनकी भाभी को भी सती कर दिया गया। तो ये बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गया, यार मैं दुनिया भर को मना करता आ रहा हूँ सती मत करो, सती मत करो, मेरे घर में मेरे पीछे मेरी भाभी को सती कर दिया। तो ये बहुत परेशान हो गया, और जिसे कहते हैं ना बहुत सारा अवेयरनेस फैला रहे थे आसपास लोगों में कि भैया सती बंद करो, सती बंद करो। और इनको जो राजा नाम का टाइटल मिला है ना, ये उस समय मुगल बादशाह था अकबर सेकंड नाम का। अंकित सिंह क्यों बोलते हैं, देखो आपके मन में आया और मेरे मन मैंने निकल गया। अकबर सेकंड नाम का मुगल बादशाह था, अकबर फर्स्ट तो भैया अकबर महान है, ये अकबर सेकंड ऐसे ही था बेवकूफ, है ना, बेवकूफ मतलब अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, अंग्रेज बैठ गए। अकबर सेकंड ने राजा का इनकी उपाधि दी थी। देखो पहली चीज मैं बता दूं, अब का जो इतिहास होगा, अब से जो क्लास चल रही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी गुत्थम गुत्था वाली होने वाली है। गुत्थम गुत्था मतलब बहुत कुछ आएगा। अच्छी बात ये अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इसको रिवाइड करके देख लेना। तो पहली चीज, इनको राजा का टाइटल क्यों मिला? अभी तक हमने ये देखा राजा राम मोहन रॉय जमींदार परिवार से थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई इन्होंने भारत में की, उसके बाद ये विदेश गए पढ़ने, पढ़ के आए और ये लोगों में अवेयरनेस फैला रहे थे कि भाई बहुत सी बातें हिंदू धर्म में खराब है, इनको हमें सुधारना चाहिए। और बेंटिक से कई बार मिले, और सबसे ज्यादा इनका जोर था सती प्रथा पे, और सती प्रथा इनके दिमाग में इसलिए भी चढ़ी थी कि इनकी सगी भाभी को सती कर दिया गया था। अभी किसी ने सवाल किया इनको राजा का टाइटल क्यों दिया, अकबर सेकंड नाम का मुगल बादशाह था, उसने इनको राजा का टाइटल दिया। तो भैया फ्री में तो कोई टाइटल किसी को देता नहीं है, कि देता है? फ्री में तो देता नहीं है। तो क्या हुआ था कि इसने इनको राजा का टाइटल दिया? असल में हमने देखा है, आप लोग मुझे बताओ मुगल बादशाह कब से पेंशनर हुआ है, कौन सी संधि हुई थी इससे मुगल बादशाह पेंशनर हो गया था? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद सर। अलाहाबाद, बहुत बढ़िया, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद से मुगल बादशाह पेंशन हो गया। तो कोई पेंशन है तो पेंशन अंग्रेज दे रहे थे, तो ये था कि मुगल बादशाह जो रहेगा उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो अकबर सेकंड जब आया तो अकबर सेकंड की पेंशन लेट होने लगी, या कभी कोई मिलती नहीं थी। तो अकबर सेकंड का खर्चा कैसे चले? तो उसने बोला यार भाई, राम मोहन रॉय से बोला, यार राम मोहन रॉय सुना है तुम ब्रिटेन जा रहे हो, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय दो तीन बार ब्रिटेन भी गया था इसी काम के लिए कि जाऊं मैं वहां। बेंटिक से कई बार बोला सती प्रथा पे रोक लगा, तो बेंटिक ने बोला यार देखो मैं रोक तो लगा दूंगा, लेकिन 1813 का जो एक्ट आया था उसने कहा था कि अब जो भी कानून बनेंगे ना, तो एक बार हमारी जो ब्रिटेन की संसद है उसको दिखाना पड़ेगा, वो अप्रूवल देगा तब तुम कानून बना पाओगे। तो बेंटिक ने बोला बना तो मैं सब दूं यहां से यार, लेकिन एक बार तुम हमारे जो हेड ऑफिस है ना, जो ब्रिटेन है, राज परिवार है, उनको उनसे भी बात करो, क्योंकि सती प्रथा पे अगर रोक लगाएंगे तो यहाँ का हिंदू वर्ग लड़ जाएगा, उबल जाएगा, हो सकता है रिवॉल्ट हो जाए, हो सकता है लड़ाई हो जाए, तो मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता हूँ।
राजा राम मोहन राय कई बार ब्रिटेन जाया करते थे, अमीर घर से थे, जमींदार के बढ़िया बेटे थे। तो अकबर सेकंड को पता चला राजा राम मोहन राय जा रहे हैं ब्रिटेन, तो अकबर सेकंड ने उनको बुलाया, बोला भाई राम मोहन नाम था उनका राजा, तो बाद में लगा राम मोहन, यार तुम ब्रिटेन जा ही रहे हो तो एक काम करना, लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस था वहां भी चले आना। तो राम मोहन ने बोला ठीक है साहब चले जाएंगे, क्या काम है आपका? तो बोला यार हमारी पेंशन लेट हो जाती है, पता करो यार पेंशन क्यों लेट होती है और पेंशन निकलवा दो यार, सोचो मुगल बादशाह पेंशन के लिए राम मोहन राय से बोल रहा है। राम मोहन राय गए, बात की और इनकी पेंशन रिलीज हो गई, है ना, इनको फोन पे गूगल पे कर दिया वहां से। तो भैया ये खुश हो गए अकबर सेकंड, इन्होंने इनको टाइटल दिया राजा का, वाह यार ऐसे इनको टाइटल मिला राजा का। तो जब ये वहां पे गए तो वहां के जो मंत्री मिनिस्टर थे एमपी थे उन सबको बड़ा कन्विंस किया राम मोहन ने कि भाई हमारे यहाँ सती जो होती है इसको बंद करो, बहुत बेकार चीज है यार ये, कैसे एक किसी के पति के मरने पे किसी की पत्नी को जिंदा जला दिया जाए, गलत चीज है, इनह्यूमन चीज है, हम ऐसे कैसे किसी को मार सकते हैं। और जब कोई जलता है ना तो बहुत चिल्लाता था, बहुत तड़पता था ये, तो उसने बड़ा किया इंसिस्ट किया, तो वहां से भी हरी झंडी मिल गई बेंटी को, कहा गया ठीक है भाई तुम एक कानून बना दो, तुम क्या कर दो एक कानून बना दो। अच्छा 1813 में ये कहा गया था कोई भी कानून बनाए तो एक बार हमसे पूछ लेना, है ना। चंचल राठौर कह रहे फोन पे, हाँ सर भैया फोन पे थोड़ा लाइट करना पड़ेगा ना, मुझे लगता है आप लोग क्लास में सो ना जाओ इसलिए फोन पे गूगल पे कर देता हूँ मैं भी। तो 1813 में ये कहा गया था कि कोई भी कानून बनाए तो एक बार हमसे पूछ लेना। 1833 के एक्ट में मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसमें कहा गया अब कोई भी कानून बनेगा तो हम ही बनाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ 1813 के एक्ट में क्या कहा गया, ब्रिटेन की संसद ने बोला भारत में कोई भी कानून बनाओ तो एक बार हमको दिखाना, हम अप्रूवल देंगे, बनाओगे तुम ही लेकिन हमको दिखा देना। 1833 के बाद क्या बोला, तुम यहाँ पे कोई कानून ही नहीं बनाओगे, जो भी कानून बनाएंगे हम बनाएंगे। इसका मतलब 1833 के पहले जो भी कानून बने वो इन लोगों ने बनाए थे, इन लोगों ने बनाए या गवर्नर जनरल ने बनाए। तो 1833 के पहले जो भी कानून बने हैं उनके नाम के आगे लिखा है रेगुलेशन, नाम के आगे क्या लिखा है रेगुलेशन, और 1833 के बाद जो भी कानून बने हैं उसके नाम के आगे लिखा रहेगा एक्ट। ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम सती प्रथा के बारे में देखेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें जो कानून है उसका नाम था बंगाल सती रेगुलेशन, बंगाल सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन, मतलब बंगाल में सती प्रथा निषेध रेगुलेशन, क्योंकि वो 1828 में 29 में आया, 33 के पहले की बात है। तो इसको कहा जाता था रेगुलेशन, और 33 के बाद जो भी कानून बनेंगे उसको कहा जाएगा एक्ट, उसको जैसे विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह एक्ट आएगा 1856 में, विडो रिमैरिज एक्ट आएगा। तो राजा राम मोहन राय जो है वो सती प्रथा के लिए काफी विरोध में थे, बोल रहे थे सती प्रथा पे रोक लगाओ। ऐसा भी नहीं था कि पूरे देश में सती प्रथा हो रही थी, सती प्रथा क्या था, जो छोटे लोग थे जो गरीब लोग थे उनके यहाँ सती प्रथा नहीं होती थी, जो बड़े लोग थे जो जमींदार टाइप के लोग थे उनके यहाँ सती प्रथा होती थी। क्यों होती थी उसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये बताओ अभी तक जो ये स्क्रीन में लिखा है इसमें किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। इरेज कर दूं मैं? जी असल में हमारे हिंदू धर्म में जैसे कि हमने बोला कि भैया जो भी नियम कायदा कानून चलेगा वो पुराने धार्मिक जो किताबों में लिखा है उसके हिसाब से चलेगा। तो दो हमारे पास सिस्टम चल रहे थे, एक सिस्टम का नाम था दया भागा सिस्टम और एक सिस्टम का नाम था मिताक्षरा सिस्टम। बस हल्का सा सुन लो, इसके बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे, नहीं तो आप लोग सो ना जाना, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो असल में इसमें यह था, आज भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है उसके दो बेटे थे बी और सी, दोनों की शादी हो गई, दोनों की क्या हो गई शादी हो गई, जो बी है उसकी शादी हो गई और उसका लड़का है डी। मैं यहाँ पे सब मेल मेल की बात कर रहा हूँ, मेल मेल की। ए व्यक्ति है उसके दो लड़के हैं बी और सी, उनमें से बी का एक लड़का है डी। जो सी है इसकी शादी हुई है, मैं लाल से लिख देता हूँ, मान लो इसकी शादी हुई है ई से, ये फीमेल है, लाल से जो लिखा है ये फीमेल है,
इसकी शादी हुई ई से और ये मर गया, सी जो है इसका देहांत हो गया। जब इसका देहांत हो गया तो ई जो है इसका कोई बच्चा नहीं था, और हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि जो संपत्ति मिलती है वो लड़के को मिलती है। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था कि संपत्ति लड़के को मिलेगी, भले पिताजी के एक लड़का हो पांच लड़कियां हो, लेकिन पांच लड़कियों को शादी करके उनको दहेज दिया जाता। दहेज इसीलिए दिया जाता था कि भैया तुम्हें संपत्ति में तो हिस्सा मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम इस घर की बिटिया हो, इसलिए तुम्हें कुछ दे देते हैं जिससे तुम्हारा आने वाला जीवन अच्छा चले। तो दहेज एक गिफ्ट हुआ करता था, लेकिन धीमे धीमे ये कुप्रथा बन गई। नहीं, दहेज मांगा जाता था। तो मान लो जब सी मर गया और सी का कोई बच्चा नहीं है और ई उसकी वाइफ है, तो अगर अब ई बची रहेगी, ई अगर बची रहेगी, या हो सकता है जब सी मरा है तो ई प्रेग्नेंट है, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं कि सोनोग्राफी होती तो पता चल जाएगा दो महीने का गर्भ है कि चार महीने का। तो अगर ई रहेगी तो हो सकता है बाद में बच्चे जन्म दे दे, क्योंकि हम लोगों ने मराठाओं में देखा है कि मरने के बाद भी बच्चे हो रहे थे। या हो सकता है ई कभी खड़ी हो जाए, बोले भाई नहीं, अगर हिस्सा बांट, मान लो इनके पास 100 एकड़ भूमि है, ए ने बोला भाई 50 तुम रख लो और 50 इसको मिलते, लेकिन सी मर गया। जब सी मर गया तो जो बी है वो बी सोचा, यार अगर ये महिला रहेगी ना तो आज नहीं कल हमसे जमीन में हिस्सा मांग लेगी, तो एक काम करो इसको डाल दो आग में, इसको जला दो, इसको कर दो सती। तो ध्यान रखिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि सती प्रथा करना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा था। ये सारा खेल था जमीन को लेकर, कि जमीन का बंटवारा होगा तो अगर ये रहेगी महिला तो हो सकता है कल को हिस्सा मांग ले, और मांगे तो देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इसको ही निपटा दो, इसका पूरा कुनबाई खत्म कर दो, तो मैं अकेला बचूंगा। या मान लो चार भाई हैं, इसमें से एक मर गया तो तीन भाई ने बोला यार इसकी विधवा को भी जला दो यार, नहीं तो इसका हिस्सा लेंगे, और हमने इसको नाम दे दिया धर्म का, असल में धर्म में क्या है, एक सती की कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी शायद, कि जो एक महिला रहती है उसके पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो सती जाती है किसके, यमराज के पास जाती है, और वहां से अपने पति के प्राण वापस ले आती है, अपने पति को वापस ले आती है। तो ये कहानी को बेस बनाया गया, और उसमें कहा गया कि भाई आपका पति मर गया, आपका पति किसके पास है, यमराज के पास है, और अगर आप सती हैं, मतलब सती के साथ सावित्री भी जोड़ देते हैं, अपना धर्म में बहुत कुछ गलत बातें हैं भैया, कोई अफंड मत होना, लेकिन मैं हिस्ट्री का टीचर हूं तो मुझे समझाना पड़ेगा ऐसा चल क्यों रहा है। ठीक है, तो सती ने यमराज के पास जाके अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। तो इस कहानी को, इस माइथोलॉजिकल कहानी को बेस बना के ये बोला गया कि देखो भाई सी मर गया है ना, और आप उसकी पत्नी थे, तो आपके पति की प्राण किसके पास है, भी यमराज के पास। एक काम करो, पति तो जा रहा है, पति कैसे जा रहा है, पति चिता में लेट के जा रहा है, एक काम करो इसके साथ तुम भी लेट जाओ, तुम दोनों चले जाओ यमराज के पास, यमराज के पास से जाके इसके प्राण वापस ले आना। तो इस कहानी को बेस बना के ई को बोला गया, भैया तुम भी चले जाओ अपने पति के साथ, और तुम भी चले जाओ यमराज से ले आना। तो भैया वेरी गुड, क्योंकि हमारी कहानियों में ऐसा कहा है कि सती गई थी यमराज के पास, अपने पति के प्राण ले आई। तो इस कहानी को बेस बना के धीमे धीमे ये कस्टम शुरू हो गया, ये रीति शुरू हो गई, और जब कस्टम बहुत लंबे समय तक चलती उसे कहते प्रथा। तो शुरू में कोई रीति होती है, रीति रिवाज, बाद में जब रीति रिवाज रिजिड हो जाते हैं, मतलब कठोर, नहीं ये करना है तो करना है, जैसे हो सकता है घर में हो भाई, आपके घर में सुबह उठ के नहाना है फिर पूजा करनी है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कभी कोई लड़का बोले नहीं मैं सुबह उठ के नहाऊंगा नहीं, मुझे तो सुबह से उठ के क्लास करनी, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं ये हमारे घर की रीति है, क्लास करो मत करो, पहले नहाओ और पूजा करो, तो आप बोल रहे सर मम्मी 8:30 बजे से मेरी क्लास है, तुम 8:30 बजे मंदिर में बैठा रहे, मम्मी क्या बोलेगी, ये पूर्वजों के जमाने से चली आ रही रीति है, ये हमारी घर की प्रथा है, प्रथा बदली कि नहीं। ठीक है, तो जब रीति कई समय तक चली आती तो उसे कह देते प्रथा, और प्रथा को ऐसा लोग मान लेते कि हमारे जन्म से बढ़ के है, हमारे धर्म से बढ़कर है, तो धीमे धीमे प्रथा बन गई। और ये प्रथा कहाँ चल रही थी, मैंने बोला बड़े घरों में चल रही थी, जिनके पास जमीन है। अब जो किसान है, जो लेबरर है, उसके पास जमीन नहीं है, वो क्या बंटवारा करेगा, तो उसके घर में सती नहीं होता था, ये बड़े बड़े घरों में सती प्रथा हुआ करता था। जैसे ये राजा राम मोहन राय की भाभी को सती क्यों कर दिया गया, वही हिस्सा रहा होगा जमीन का, भाई जमींदार था, भले इसको मतलब नहीं जमीन से, लेकिन बाकी घर वालों को तो मतलब था, इसलिए उसकी भाभी को सती कर दिया। तो ये कहीं धर्म में नहीं लिखा था। और दूसरा, ये जो सती हुई थी ना महिला, मतलब ये यमराज के पास जो गई थी, अपने मन से गई थी, इसको किसी ने बोला नहीं था कि बैठ और निकल, लेकिन सती प्रथा में क्या होता था, इस महिला को बैठाते थे, लेकिन जब आग लगती थी तो ये तड़पती थी, फिर इसको डंडे से मार मार के बैठाए रखते थे कि जल जा। आपने शायद फिल्म देखो कि मंगल पांडे, उसमें सती प्रथा का सीन दिखाया गया, अमीषा पटेल वाला। तो ये हमने धर्म का
जिसे कहते हैं कंबल ओढ़ के उसका चोला ओढ़ के हमने एक कुप्रथा को प्रथा बना दी और बाद में हमने बोला ये हमारे धर्म से बढ़कर है और इसको आप चेंज मत करो। और राजा राम जब बोलता था नहीं सती प्रथा गलत है यार, कहाँ लिखा है कि कोई मरेगा और जाएगा यमराज के पास, कहाँ यमराज का एड्रेस, यमराज कुछ होता नहीं सब। तो लोग इसको भला बुरा कहते हैं पागल आदमी, धर्म भ्रष्ट कर देगा, ये धर्म भ्रष्ट करेगा। लेकिन आज इसी पागल आदमी को हम पढ़ रहे हैं। ये जो दया भागा सिस्टम था, दया भागा सिस्टम में ये था कि भाई जैसे मान लीजिए विधवा भी अगर है तो भी उसको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। और मिताक्षरा में था कि भैया सिर्फ लड़कियों को हिस्सा मिलेगा और विधवा को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हिंदू धर्म में उस समय मिताक्षरा सिस्टम चल रहा था और अंग्रेज ने आके बोला कि नहीं दया भागा सिस्टम चलाना चाहिए। दया भागा सिस्टम में ये है कि अगर पति मर गया तो भी पत्नी को हिस्सा मिलेगा। तो अंग्रेजों ने दया भागा सिस्टम को लागू करवाने की कोशिश की और पहले से क्या चला रहा था मिताक्षरा सिस्टम। मिताक्षरा में क्या था कि आदमी मर गया तो महिला को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह ये सती प्रथा जो कुप्रथा थी, और जैसे हमने देखा इस सती प्रथा का एक और रूप मिलता है जौहर के रूप में। आप लोगों ने अभी पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जौहर किया जाता था। तो जौहर इसलिए किया जाता था, जौहर पहले थी सामूहिक सती यानी कलेक्टिव सती को हम जौहर कहते थे। और ये भी था, ये जबरदस्ती नहीं था। आपने देखा था दीपिका पादुकोण जबरदस्ती नहीं कूदी थी, उसको किसी ने धक्का नहीं मारता कूद जा भाई, ये जौहर हुआ करता था। और ये इसलिए होता था कि भाई कोई विदेशी व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति हमको टच करे, और फिर उस समय जो महिलाओं को ले आते थे तो उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, फिर उसके बाद उनको गलत तरीके से टच किया जाता था, उनका यूज होता था। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अब हमारा पति तो रहा ही नहीं, इसलिए हम जौहर कर लेते हैं। और जौहर तभी किया जाता था जब पता है कि हमारा पति युद्ध में हार गया है, युद्ध में मारा गया। इसकी कहानी अपन कल करेंगे, मुझे लगता नहीं कि आज ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी आप इतना जानिए कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स देखा है, हमने इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स देखे हैं और हम इसके सामाजिक सुधार में चल रहे हैं। विलियम बेंटिक का चैप्टर 2 से 3 लेक्चर में जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बस इतना बोल के निकल जाऊँ सती प्रथा पे रोक लगाई तो आपके मन में जीवन भर ये रहेगा सती सती सती। और जब मेंस लिखने जाओगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरव्यू में तो आप फंसी जाओगे। तो इसलिए मेरा ये दायित्व है कि मैं चले 2 क्लास ज़्यादा खिंच जाए, लेकिन ये बात मैं अभी मन में क्लियर कर दूँ। तो आज की क्लास में जितना अभी तक हमने समझा है पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट है क्या? क्योंकि अभी मेरे मुंह से जौहर निकल गया तो अभी आप लोग बोलेंगे सर जौहर वाला बता दो फिर इसमें ऐसा, तो सब क्लियर मैं कर ही दूंगा अच्छे से। क्योंकि उसमें आप लोग जो राजपूत होते थे जब वो लड़ने आते थे और जब उनको पता रहता था कि इस बार हम लड़ने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, तो उसे उस समय वो तिलक करते थे सिंदूरी रंग से और एक साफा पहनते थे। और वो लोग बोलते थे कि हम सब लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग साका करने जा रहे हैं। तो जो मेल होता था राजपूत मेल, जब उसको पता है इस युद्ध में मारा जाऊंगा तो वो कहता था कि हम लोग साका में जा रहे हैं, साका मतलब अब हम लोग वापस नहीं आएंगे। और जब पहले साका होता था उसके बाद जौहर होता था, तो वो बताता था राजपूत राजा कि अब हम साका करने जा रहे हैं, इसका मतलब अब हम तुम्हें अगली बार दिखेंगे नहीं, हम मर जाएंगे इस युद्ध में। तो फिर ये महिलाएं भी तैयार रहती थी बगाना श्रृंगार करके तैयार होके, फिर वो आग को समर्पित करती थी क्योंकि आग को सबसे पवित्र माना गया हिंदू धर्म में। भगवान तक पहुंचने का सबसे जो पवित्र रास्ता है वो आग को माना गया, आग बहुत पवित्र होती है, इसलिए कोई भी पूजा पाठ होता है उसमें आग जलाई जाती है, आग का हवन कुंड होता है, आग जलती है, क्योंकि आग को हम मानते हैं कि इस लोक से उस लोक तक का ये रास्ता है, ये एक ऐसा ब्लूटूथ है जिसमें यहाँ से डेटा ट्रांसफर ऊपर हो जाता है। तो पहले साका होता था फिर जौहर होता था, तो जौहर भी हुआ है, 3 बार जौहर हुआ है राजपूतों में अधिकतर हुआ है ये, और ये कलेक्टिव सती हुआ करता था। तो इसको भी बेस बनाया गया, देखिए सती हो रहा था, क्योंकि जब सती प्रथा के पक्ष में लोग बोलते थे तो बोलते थे देखिए राजपूतों में तो कई कई हजार रानियां हजार लोग सती करते थे, आप अकेली नहीं कर सकती, इस सबको बेस बना के। लेकिन अल्टीमेटली सबके मन में खोट क्या था, हिस्सा न देना पड़े, जमीन का हिस्सा न देना पड़े, इसलिए सारा ये खेल रचा गया। और राजा राम मोहन राय ने जब इसका विरोध किया तो इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। और देखिए कानून कब बना है, 1829 में, और मेरे ख्याल से आखिरी सती का केस हमें 1992 में देखने को मिला है, राजस्थान में आखिरी सती का केस हुआ था। तो कानून बनने के भी आप देखो लगभग 200-250 साल तक बाद भी हमें केस देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कानून बनने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, कानून तो है कि भैया बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, फिर भी लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे, ठीक है। कानून तो है कि भैया भीड़ मत बढ़ाइए, फिर भी भीड़ बढ़ा रहे। तो कानून बनना अलग है, उसका पालन होना अलग है, समाज में जब तक एक्सेप्टेंस होगी तब तक वो चीज चलती रहेगी। तो इस बात को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।